टॉपिक अगर हटा हुआ तो जाएगा सीयूटी के अंदर सोलह चैप्टर आते हैं मैं आपको बता देती हूँ यहां पे बता देती हूँ अलग से कि आपका जो सीवीटी है सीवीटी के अंदर आपके पास सोलह चैप्टर आते हैं ठीक है बायोलॉजी के अंदर बात कर रही हूं मैं ये और बोर्ड के अंदर सिर्फ तेरह चैप्टर आते हैं तो सीधी सी बात है तीन चैप्टर हटे हुए हैं आपको पता चल जाएगा कौन सा एंड एक दो ऐसे भी चैप्टर है जिसके कुछ टॉपिक भी हटे हुए हैं तो वो चीजें भी मैं आपको यहां पे बताने वाली हूं राइट right? तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्मिज्म जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है पुरानी एनसीईआरटी में मिलेगा नई में नहीं मिलेगा ठीक है और ये आपके बोर्ड में नहीं है ठीक दूसरी बात हमारे पास दूसरा चैप्टर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो कि उसमें उसका सेम सारे टॉपिक डिटो बोर्ड के अंदर आएंगे कोई डिफरेंस नहीं है आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगी ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में तो आप वहां पे मैच कर लीजिएगा कोई भी सिंगल टॉपिक आपका चेंज नहीं है जो सीयूटी में आ रहा है वही बोर्ड में आ रहा है दोनों का सेम है ठीक है तो so, यहाँ पे एक चैप्टर कवर होता है साथ में देन अगेन हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन आता है सीयूटी में बोर्ड बिल्कुल सेम कोई एक सिंगल टॉपिक भी अलग नहीं है तो so, यहाँ पे भी प्रिपरेशन हमारी दोनों की सेम देन कम्स देर रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका छुटा हो दोनों समय सेम आ रहा है पूरा चैप्टर आपका इंक्लूडेड है नेक्स्ट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन यहाँ पे बोर्ड में और सीयूटी में अगेन सेम कोई दिक्कत की बात नहीं कोई परेशानी की बात नहीं आगे मैं बात हमारे पास आता है जो की हमारा पहले यहां पर हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं ये भी सेम है यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो एक्सक्लूडेड हो मतलब हटा दिया गया हो बोर्ड में या सीयूटी में दोनों में एक एक टॉपिक एक एक वर्ड आपका सेम रहने वाला है आगे अगर मैं बात करू नेक्स्ट हमारे पास आता है इवोल्यूशन इवोल्यूशन के भी सारी चीजें चीजें बिल्कुल सेम है। थोड़ी आगे पीछे लिखी हुई है बट आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो आपका नहीं है हर चीज आपकी यहाँ पे आ रही है ठीक है अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम चीजें लगेंगी हालांकि दोनों के अलग अलग कहेंगे के है ना आगे देखना फिर आता है हेल्थ हेल्थ एंड एंड डिजीज़ डिजीज़ ये भी एक ऐसा चैप्टर है आपका जो कि डिटो आ रहा है कोई चेंज नहीं है दोनों में आएगा सीयूटी में भी आएगा बोर्ड में भी आएगा नेक्स्ट कॉम्स द इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन ये सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के अंदर आ रहा है बोर्ड में नहीं आ रहा है ये आपका कहानी आ रहा है बोर्ड में नहीं आ रहा है कहीं भी ठीक है ये चैप्टर था आपका पुरानी एनसीआर में नोववा चैप्टर है नहीं में तो वो है ही नहीं अभी नोमवा कुछ और ही हो गया है है ना क्योंकि दो चैप्टर हट जाते हैं तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ कहा है सीयूटी के सिलेबस में है बोर्ड में आपको नहीं करना है ठीक है नेक्स्ट कॉम्स द माइक्रोब्स इन ह्यूमन लाइफ ये दोनों बिल्कुल सेम है एक सिंगल भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि आपका नहीं आ रहा है सारे सेम है सीयूटी और प्लस बोर्ड में आगे हमारे पास आता है कौन सा बायोटेक वाले बायोटेक और इस ये भी बिल्कुल सेम है फोर्थ यूनिट जो हमारी है कंप्लीटली सेम है कोई चेंज नहीं है कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी जो यहाँ पे बोर्ड में है वही सीयूटी में जो सीयूटी में वही बोर्ड में है नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट ये खास है ये जो यूनिट फिफ्थ है ना फिफ्थ यूनिट के कुछ टॉपिक्स ऐसे जो हटाए हुए हैं जैसे कि अगर आप बात करो तो सीयूटी के सिलेबस में ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट में हैबिटेट निशे पॉपुलेशन इकोलॉजिकल अडेप्टन है है ना बट ये जो है ना आपके एनसीआर जो हटाए गए कौन सा, कौन सा सा मेजर आरबायोटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्स टू आरबायोटिक फैक्टर्स एंड अडॉप्टेशन ये आपके हटाए हुए है, हैं एक्सक्लूडेड है बोर्ड के अंदर बट इनसे ना एक क्वेश्चन ना सीयूटी में हमेशा बनता है है ना इन से जो वर्ड में नहीं आने वाले यहाँ में और ये आपके इंक्लूडेड है यहां पे यहां पे क्या है पॉपुलेशन इंटरेक्शन और पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर ही आप आबायोटिक फैक्टर्स के रिस्पॉन्स के बारे में और आबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हो जो कि आप इंटरेक्शन में क्योंकि इंटरेक्शन दो तरीके की होती है लिविंग ऑन लॉन लिविंग वो दोनों चीजें आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी सीयूटी में बट आप बोर्ड में नहीं पढ़ रहे हो इसके अलावा म्यूचुअलिज्म कंपटीशन प्रीडेशन और पैरासिटिज्म ये चार यहाँ पे है बट अगर मैं बात करूं तो आपकी एन के अंदर जो पहले सिलेबस था वहां पे पर अमेंसिलिज्मिज्म भी गिवन थी जो ना तो अभी की बार बोर्ड में है ना आपके सीयूटी में है वो दोनों में कॉमन है बट ये आपके टॉपिक जो एक्सक्लूड कर रखे हैं बोर्ड से ये आपके सीयूटी के अंदर आएंगे कहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर आते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजिकल अडेप्टन के अंदर आते हैं आगे हमारे पास आता है इको सिस्टम इको सिस्टम कंप्लीट यूनिट आने वाली है एक सिंगल चीज हम नहीं छोड़ने वाले यहां पे पूरे चैप्टर में जो पुरानी एनसीआरटी है है ना और अगर आप बात करो अब की बार यहाँ पे बोर्ड में तो यहाँ पे आपके टॉपिक एक्सक्लूडेड है इकोलॉजिकल सक्सेशन जो कि यहाँ पे आ रहा है न्यूट्रिएंट न्यू, न्यूट्रिएंट साइकिल, साइकिल जो आपके यहाँ पे हम सर्विसेज में कर रहे हैं कार्बन फिक्सेशन ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग पूरा कंप्लीट ये हटा हुआ है जो सीयूटी में है तो आपका ये टॉपिक ऐसे है दो जो आपके बोर्ड में नहीं है पर सीयूटी में है ये आपके बोर्ड में एक्सक्लूडेड है टॉपिक एक्सक्लूडेड जो आपके यहां है चलिए आखिरी देख लेते हैं आखिरी है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये सारा का सारा कंप्लीट आने वाला है पूरी एनसीईआरटी पुराने वाली जो एनसीआर है जो अभी अपडेट हुई है है उससे पहले वाली पुरानी है, वो आ रहा बट यहाँ पे आपके पास अगर देखोगे तो यहाँ पे भी कम्प्लीट आ रहा है और ये बोर्ड में भी और सीयूटी में दोनों में इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अंदर दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से एमसीक्यू में तो कम से कम हर साल आता है, तो, है ना अगर आप बात करो ये इन्वायरमेंटल इशू ये पूरा चैप्टर ही बोर्ड में नहीं है तो आपने देखा कि आपके पास कुछ ऐसा टॉपिक है कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं तीन ऐसे इन सम आखिरी की युनित, युनित के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि एक्सक्लूडेड है ठीक है अब यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि आपकी जो तैयारी है आप करोगे कैसे आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि आपका बेटर सिलेक्शन हो अब हमको ड्रॉपर तो बनना नहीं है हमको चाहते हैं कि भाई हम बढ़िया कॉलेज मिल जाए सब कुछ बढ़िया मिल जाए तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा आप खुद से कर लो सेल्फ स्टडी कर लो बेस्ट है बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यू कैन एनरोल इन टू सफलता बैच इन सफलता बैच में लाइव क्लासेस होती है मॉक टेस्ट वगैरह एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स आपको मिलती है राइट सिस्टमैटिक आपके डाउट सेशन होते हैं इवन यू कैन कनेक्ट विद दस हमारी कम्युनिटीज होती है लाइक व्हाट्सएप ग्रुप होता है ऐसे ऐप पे कम्युनिटीज ग्रुप होते हैं और आप मॉक टेस्ट ऐसे देते हो जैसे कि आप पेपर दे रहे हो तो आपको फील पूरा है तो कल को जब जाके टाइम वो सेलेक्ट करना सेव करना वो सारा टाइम इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाने वाला है कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी देन हमारे पास अगर हम बात करें आपके ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी होते हैं सो so देट आप अपनी रैंक जान पाओ कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ मुझे कितना आता है अब यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो आपको और भी फीचर्स मिलते हैं कि आपको अगर आप ऐप फैकल्टी की कम्युनिटी करते हो अगर आप मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करते हो मैं बायो पढ़ाती हूँ तो आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हो तो आपको मेरी कम्युनिटी पे फ्री सेशंस की पीडीएफ मिल जाएगी आप मुझे कम्युनिटी पे डाउट पूछ सकते हो आप अपने डाउट भेज सकते हो पिक्चर फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में तो आपके मेथ्स होते हैं जो आपको नो no डाउट एक दूसरे का सोल्व करने में हेल्प करते हैं तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई कम्युनिटी जो कि सोनिया चहल मेरा नाम है सोनिया चहल से आपको मेरी कम्युनिटी मिल जाएगी वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए राइट उसके बाद आप बात करो सफलता बैच के बारे में आपको बताई चुकी हूँ न्यू तो और अब आपको मिलेगा कहाँ पे ये भी तो कमाल की बात है ना तो आपको क्या करना है स्पेशल डिस्काउंट कोड बता रही हूँ वाई सिक्स नाइन सेवन है सो so ये आज और कल आपको ट्वेंटी परसेंट कोड देता है सबसे ज्यादा कोड देता है, है ना स्पेशल कोड है ये ठीक है आपको करना क्या है आपको जाना है हाँ जी कहाँ जाना है आपको जाना है एप्लीकेशन पे जाना ऐप इंस्टॉल करना क्योंकि जब एप्लीकेशन स्टोर कर इंस्टॉल कर दो कुछ क्वाइंस मिलते हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं आप डालिए सी ट्वेंटी फोर सेवन आपने डाला अडर ट्वेंटी फोर सेवन पहले ऑप्शन पे जाइए देन एनी कोर्स ऑल कोर्स अंडरग्रैंड CVT, CVT science, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट भी ले सकते हो यूजिंग द सेम कोड छह सौ चैल साइंस का भी ले सकते हो खाली और अगर कोई ऐसा बच्चा जो हिंदी मीडियम का है प्रॉपर हिंदी मीडियम में हो तो सीवीटी साइंस इन हिंदी आप ले सकते हो मैं ही बायो पढ़ाती हूँ और हिंदी मीडियम में ही आपको क्या चाहिए जनरल चाहिए वाली तो हिंदी मीडियम के अंदर भी लैंग्वेज और आपको जनरल टेस्ट आपका मिल जाएगा आपको है ना, हिंदी मीडियम का मतलब इंग्लिश तो इंग्लिश में मिलेगी बट जो आप रीजनिंग करंट अफेयर वो सब कुछ आपको हिंदी में मिलेगा ठीक है हम खरीद लेते हैं चलो ठीक है हम साइंस वाला खरीद रहे हैं साइंस वाले में सफलता बैच है जो बिल्कुल नया है हिंदी मीडियम में आपके पास संकल्प बैच है मैं आपको दिखाती हूँ आप यहाँ पे मान लो खरीद रहे हो अर्जी सफलता बैच सफलता बैच अभी बिल्कुल नया आया है अर्जुना बैच एक एक्सक्लूसिव बैच है अलग बैच है बट उसकी काफी क्लासेस हो चुकी है तो यू कैन गो फॉर सफलता बैच सस्ता भी है फीचर सेम है है ना हम बाय नाउ करेंगे तो आपको यहाँ पे ना ज्यादा ज्यादा कोड का मिलेगा कि भाई ये कोड लगा लो इतना डिस्काउंट मिलेगा बट तुमको भटकना नहीं है तुमको एक ही कोड लगाना है जो है वाई छे सौ सत्तानवे एस और इसके लगाते ही तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा जो पहले आपको सात हजार कुछ का चीजें मिल रही थी वो आपको अभी कितने की मिल रही है जी? वो आपको अभी हजार कुछ की मिल रही है तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है अच्छा खासा और देखो आपकी फी पहले कुछ ज्यादा थी अब थोड़ा फी भी थोड़ा आप कम की गई है तो इट्स बेटर टाइम कि आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है आप अभी खरीद लो क्योंकि थोड़े दिन के बाद दो दिन के बाद फिर से इतना ही चला जाएगा आपका डिस्काउंट फिर होगा नहीं फिर तुमको हजार दो हजार फाल देने पड़ेंगे तो इट्स बेटर कि आप कोड लगाओ वाई छह सौ सत्तानवे और ज्यादा कोड लो और हिंदी मीडियम वालों के लिए कौन सा बैच है ये हमारा था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सी साइंस इन हिंदी में आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास संकल्प बैच है इट्स मी अगेन यहाँ पे है ना बाय नाउ करते हैं ये थोड़ा सस्ता है इंग्लिश मीडियम वालों से क्योंकि बच्चे भी बहुत कम होते हैं आपको देख पे करना पड़ेगा तीन हजार कुछ क्योंकि बीस परसेंट कोर्स आपको भी मिल रहे सीधा हजार की बचत हो रही है तो तीन हजार नौ सौ निन्यानवे चार हजार का कोर्स पड़ेगा बेटा इससे सस्ता कुछ नहीं मिल सकता हर चीज की कीमत होती है और ये तो आपकी डिसिप्लिन की कीमत है इसमें कुछ है नहीं और ये साल भर के लिए दोनों ही बैच ना साल भर के लिए भाई चार हजार में तुमको पूरे साल कौन पढ़ाएगा कोई नहीं पढ़ाएगा और इस चार हजार के अंदर पूरे साल आप पढ़ोगे सब कुछ डोमेन इंग्लिश जी टी राइट और E आपको मिलेंगे, सेशन को लाइक शेयर कर देना है और यूज कर लेना है कोड जो स्पेशल वाला है जो है वाई छह और अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊंगी की पूरे साइंस में कैसे स्कोर करना है 100 परसेंट और कहां से पेपर आता है एनसीआर कैसे पढ़नी है ये सारे सेशंस में ले चुकी हूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसकी वीडियो वाले सेक्शन में जाके आप ढूंढना कि एनसीआरटी कैसे पढ़नी है वो ढूंढ लेना और वो पढ़ लेना और आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो वहां पर मैंने शेयर कर ही रखा है तो स्टे कनेक्टेड बाय